का लगाने को लेकर किया समझौता। वर्ष 2023 से कम 15% कॉरपोरेट टैक्स दर लागू करने के लिए ऐतिहासिक वैश्विक संधि पर किए हस्ताक्षर। और 5 बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस प्लेऑफ की दौड़ से बाहर, हैदराबाद को दी 42 रनों से शिकस्त। वहीं आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हराया और कल दिल्ली और चेन्नई के बीच होगा पहला क्वालिफायर मुकाबला। नमस्कार, इस वक्त की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ हम हाजिर मैं हूं प्रकाश, और खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क के प्रधानमंत्री के बीच आज द्विपक्षीय वार्ता हुई। भारत और डेनमार्क के बीच 4 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों के बीच इसके अलावा 3 वाणिज्यिक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय बातचीत के बाद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। द्विपक्षीय बातचीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 1 साल पहले हमने अपनी वर्चुअल समिट में भारत और डेनमार्क के बीच ग्रीन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप स्थापित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। दोनों देशों की दूरगामी सोच और पर्यावरण के प्रति सम्मान का प्रतीक है। शाम को वे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगी। डेनमार्क के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा दोनों देशों के आपसी संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा और हरित कार्यनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा का अवसर होगा। दोनों देश परस्पर हित के क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे। पिछले वर्ष सितंबर में वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भारत और डेनमार्क ने हरित कार्यनीतिक साझेदारी गठित की थी। फ्रेडरिक्सन समाज के प्रबुद्ध सदस्यों और छात्रों से भी बातचीत करेंगे। कोरोना काल में बीते 20 महीने के दौरान ये किसी प्रधानमंत्री की पहली भारत यात्रा है। आज से 1 साल पहले हमने अपनी वर्चुअल समिट में भारत और डेनमार्क के बीच ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्थापित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। यह हम दोनों देशों की दूरगामी सोच और पर्यावरण के प्रति सम्मान का प्रतीक है। यह पार्टनरशिप एक उदाहरण है कि किस प्रकार सामूहिक प्रयास के द्वारा टेक्नोलॉजी के माध्यम से पर्यावरण को संरक्षित रख सकते हुए ग्रीन ग्रोथ के लिए काम किया जा सकता है। आज हमने इस साझेदारी के अंतर्गत हुई प्रगति को रिव्यू भी किया और आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज के विषय पर सहयोग बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया। और भारत के 3 दिवसीय दौरे पर आए डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन का आज सुबह राष्ट्रपति भवन में औपचारिक तौर पर स्वागत किया गया। इस दौरे पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। और इस अवसर पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने कहा कि डेनमार्क भारत को अपना एक करीबी साझेदार मानता है। उन्होंने कहा कि उनकी ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। Consider India as a very close partner to Denmark, and therefore I see this visit as a milestone for our bilateral contacts and for our cooperation. Last year, Prime Minister Modi and I were able to design and agree on a green strategic partnership, and today, gladly, we can meet here in Delhi to be more concrete when it comes to renewables,
when it comes to wind and when it comes to water. And what we see is a very ambitious Indian government who really wants to take a great responsibility when it comes to the green transition in India and in the world. And I am very glad that we are able to have a cooperation about the green transition. उसके बाद डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में नेशनल स्टेडियम परिसर में आयोजित अलंकरण समारोह में भारतीय तटरक्षक कर्मियों को वीरता और मेधावी सेवा पदक प्रदान किए। रक्षा मंत्री ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि 4 से 6 नौकाओं से अपना सफर शुरू करने वाले भारतीय तटरक्षक बल के पास आज 150 जहाज 66 विमान हैं और ये दुनिया की सबसे बेहतरीन समुद्री सेनाओं में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बना चुका है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि समुद्री सुरक्षा को सुनिश्चित किए बिना आंतरिक और बाहरी सुरक्षा फ्रेमवर्क बनाना किसी भी सूरत में संभव नहीं है। मैरिटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर किए बिना एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाना किसी भी सूरत में संभव नहीं है। इंडिया के मैरिटाइम जोन्स को सेफ सिक्योर और पॉल्यूशन फ्री रखना हमारी सुरक्षा जरूरतों इन्वायरमेंटल हेल्थ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक साथ इंश्योर करता है। मुझे ये कहते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड इन सभी चैलेंजेस को एक साथ सक्सेसफुली एड्रेस कर रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि एक उभरती समुद्री ताकत होने के नाते भारत का उद्देश्य क्षेत्र के सभी देशों की सुरक्षा का भी है। एक राइजिंग मैरिटाइम पावर होने के चलते हमारी प्रॉस्पेरिटी बहुत हद तक समुद्र पर निर्भर है, इसलिए अपने साथ साथ क्षेत्र के सभी देशों की सुरक्षा और प्रगति हमारा एक यह प्रमुख उद्देश्य है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन में यह उद्देश्य भली भांति स्पष्ट होता है। टाटा सन्स समूह ने एयर इंडिया के अधिग्रहण की बोली जीत ली है। टाटा सन्स ने एयर इंडिया के लिए 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। सरकार के मुताबिक दिसंबर 2021 तक एयर इंडिया में विनिवेश की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। सरकार ने 2009 से अब तक 1.1 लाख करोड़ से ज़्यादा एयर इंडिया में निवेश किया है। मार्च 2021 तक एयर इंडिया पर 46,239 करोड़ रुपये का कर्ज था, जो अगस्त 2021 तक बढ़कर 61,562 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इसमें से 44,679 करोड़ रुपए का कर्ज स्पेशल पर्पस व्हीकल एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग को सौंप दिया जाएगा, यानी एयर इंडिया पर स्वामित्व के बाद टाटा समूह को 15,300 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाना होगा। टाटा समूह ने अक्टूबर 1932 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना की, बाद में इसका नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया था। सरकार ने 1953 में एयरलाइन का राष्ट्रीयकरण किया। फैसले के बाद टाटा सन्स के समूह के प्रमुख रतन टाटा ने वेलकम बैक एयर इंडिया कहकर फैसले का स्वागत किया। रतन टाटा ने एक बयान में कहा कि एयर इंडिया के लिए टाटा समूह का बोली जीतना एक अच्छी खबर है। बेशक एयर इंडिया के पुनर्निर्माण के लिए काफ़ी प्रयास करने होंगे। उम्मीद है कि यह विमानन उद्योग में टाटा समूह को एक मजबूत, बहुत मजबूत बाजार अवसर प्रदान करेगा। भावनात्मक तौर पर देखें तो JRD टाटा के नेतृत्व में एयर इंडिया ने एक समय में दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित एयरलाइनों में से एक होने की प्रतिष्ठा हासिल की थी। अब टाटा के पास उस छवि और प्रतिष्ठा को फिर से हासिल करने का अवसर होगा।
जेआरडी टाटा आज हमारे बीच होते तो बहुत खुश होते। टाटा समूह ने चुनिंदा उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए खोलने की नीति के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद भी दिया। करीब 68 सालों बाद कंपनी एक बार फिर टाटा समूह के कब्जे में आ गई है। भारत की कोरोना वैक्सीन का विदेशों में भी डंका बज रहा है। एक और देश ने भारत की वैक्सीन को मान्यता दे दी है, जबकि एक अन्य देश भारत के साथ मिलकर दोनों की वैक्सीन को अनुमति देने के लिए तैयार हो गए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट करके कहा कि एक और देश ने भारत के टीकाकरण प्रमाण पत्र को मान्यता दे दी है। सर्बिया के साथ पारंपरिक दोस्ती कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्रों की पारस्परिक मान्यता में तब्दील हो गई है। अपने दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा कि कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्रों की आपसी मान्यता शुरू हो गई है। भारत और हंगरी एक दूसरे के कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्रों को मान्यता देने पर सहमत हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन में कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन को अनुमति देने पर फैसला अगले हफ्ते होगा। इसे लेकर WHO ने कहा है कि भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की लिस्टिंग के लिए अगले हफ्ते फैसला लिया जाएगा। इसके लिए WHO और विशेषज्ञों के एक स्वतंत्र समूह की बैठक होने वाली है। इस दौरान कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन की जोखिम और फायदों का आकलन किया जाएगा और इसके बाद मंजूरी के लिए अंतिम निर्णय लिया जाएगा। कोविड महामारी के खिलाफ चलाए जा रहे टीकाकरण कार्यक्रम के तहत देश में अब तक 93,99,15,332 टीके लगाए गए हैं। देश में 67,75,00,000 से अधिक लोगों को टीके की एक खुराक जबकि 26,20,00,000 से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके की दोनों खुराकें दी जा चुकी हैं। कोरोना संक्रमण के खिलाफ भारत की जंग में पिछले 24 घंटों में 23,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। अब तक देश भर में 3,32,00,000 से अधिक संक्रमित मरीज स्वस्थ होने में कामयाब रहे हैं। मार्च 2020 के बाद से देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले की दर अपने सर्वोच्च स्तर 97.98% पर पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 19,740 मामले सामने आए हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र आज लखीमपुर खीरी के पुलिस लाइन स्थित क्राइम ब्रांच के ऑफिस पहुंचे। क्राइम ब्रांच की ओर से उन्हें आज 11 बजे तक आने का समन दिया गया था। इस समय आशीष मिश्र से पूछताछ चल रही है। रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। खेलता है झूलता उछलता है दौड़ता कभी कभी दौड़ कर रहता है आगे आगे बढ़ता है इंडिया अमूल दूध पीता है इंडिया। बाढ़ ने मचाई तबाही, गांव हुआ तहस-नहस, कई लोग बेघर। दादी करो शुरुआत करो जब करो तो पक्की बात करो जब पैर तले से दिन गुजरे सर के ऊपर से रात चले जब पैर तले से दिन गुजरे सर के ऊपर से रात चले तामीर करे नगरी नगरी जब कारीगर का हाथ चले पहल करो शुरुआत करो करो तो पक्की बात करो पहल करो शुरुआत करो करो। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने शनिवार को टेरिटोरियल आर्मी के मुख्यालय में रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया। ठाकुर ने इस मौके पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही स्वयं भी रक्तदान किया। उन्होंने कहा कि अपनी स्थापना के वर्षगांठ के मौके पर टेरिटोरियल आर्मी अनेक सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। अनुराग ठाकुर ने रक्तदान को जीवन दान के बराबर बताया और ये पूरी तरह से सुरक्षित है और लोगों को खुले मन से इसमें हिस्सा लेना चाहिए।
मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि उस परिवार से आता हूँ जहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी फौज में अपनी सेवाएं दी हैं। मुझे भी टेरिटोरियल आर्मी में अपनी सेवाएं देने का कुछ अवसर मिला है। आज अपने सभी ऑफिसर्स और जवानों के साथ मिलकर रक्तदान करने आया हूँ, इस कार्यक्रम का हिस्सा बना हूँ। मैं अपने सभी सीनियर ऑफिसर्स का आभार प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया, जहाँ एक और साइकिलिंग के माध्यम से स्वच्छ और स्वस्थ भारत की बात की हमने, दूसरी ओर रक्तदान करके अपनी ओर से देश के लिए एक और भी काम किया है। अयोध्या में सरयू तट पर अयोध्या की रामलीला का मंचन जारी है, जिसमें फिल्म जगत के नामचीन किरदार अपने पौराणिक पात्रों की भूमिका कर रामलीला को जीवंत और लोकप्रिय बना रहे हैं। अयोध्या की रामलीला के तीसरे दिन का मंचन शुक्रवार को हुआ। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। अयोध्या का प्रसिद्ध श्री लक्ष्मण किला परिसर प्रभु श्री राम की लीला के विविध प्रसंगों से गुंजायमान है। शुक्रवार को अयोध्या की रामलीला के तीसरे दिन सीता स्वयंवर के प्रसंग का मंचन हुआ। अहम ब्रह्मास्मि। रामलीला मंचन में सीता स्वयंवर का प्रसंग विशिष्ट आकर्षण का केंद्र होता है। राजा जनक के निमंत्रण पर देश देशांतर के राजा धीराज और युवराज स्वयंवर हेतु मिथिला पहुंचे हैं। प्रभु श्री राम द्वारा धनुष भंग करने से न केवल जनक की प्रतिज्ञा पूरी होती है, बल्कि असुरों के विनाश और धर्म स्थापना की रूपरेखा भी निर्मित होती है। धनुष भंग और सीता स्वयंवर के मंचन के बाद लक्ष्मण परशुराम संवाद ने दर्शकों का मन मोह लिया। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है, जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। प्रसिद्ध अभिनेत्री भाग्यश्री द्वारा माता सीता, अभिनेता और सांसद रवि किशन द्वारा परशुराम और शहबाज खान द्वारा रावण की भूमिका से सजी अयोध्या की रामलीला का प्रतिदिन सजीव प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल चैनल पर शाम 7 बजे से 10 बजे तक किया जा रहा है, जिसे कोरोना काल में करोड़ों दर्शक घर बैठे प्रभु की लीला का आनंद ले रहे हैं। अश्विनी कुमार मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज अयोध्या। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में आज विशेष सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अब इसे सबसे बेहतर बनाना है। इसके लिए आवश्यक है कि संसद और राज्य के ज्यादा से ज्यादा बैठक हो। The government always must try to work to reach out to opposition, have a dialogue, and then finally try to arrive at a consensus. If the consensus is not available, the next way is testing, going through the majority. That is the only way. There is no other way in democracy. Our democracy is one of the oldest and the largest democracy in the world. Let us make it the best. We must have more sittings of the legislature and more constructive debates in each session. I am talking about the parliament. I am talking about the legislatures. All state legislatures and parliament should meet more days. आज महान स्वतंत्रता सेनानी सैफुद्दीन किचलू की पुण्यतिथि है। वे 1919 के कठोर रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग प्रदर्शन के नायक थे। वहीं आज ही के दिन 1942 में पंजाब की स्वतंत्रता सेनानी सत्यवती देवी ने लाहौर जेल में ब्रिटिश झंडा हटाकर कांग्रेस का ध्वज लगाने का साहसी कारनामा किया था। अक्टूबर महान स्वतंत्रता सेनानी सैफुद्दीन किचलू की पुण्यतिथि है। वो 1919 के कठोर रॉलेट एक्ट के विरोध में
जलियांवाला बाग प्रदर्शन के नायक थे। डॉक्टर किचलू नौजवान भारत सभा के संस्थापक सदस्य थे, जिसने हजारों विद्यार्थियों और युवा भारतीयों को राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर किचलू का जन्म 15 जनवरी 1888 को कश्मीरी परिवार में हुआ था, जो कि अमृतसर में बस गया था। कुशाग्र बुद्धि किचलू ने लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से स्नातक तक पढ़ाई की और जर्मनी से पीएचडी पूरी की। वो कैम्ब्रिज के दिनों से ही क्रांतिकारी विचारों के प्रति आकर्षित होने लगे थे और मजलिस में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे थे। मजलिस भारतीय छात्रों की एक सोसाइटी थी, जो भारत की औपनिवेशिक दुर्दशा पर चर्चा करती थी। इन सभाओं के कारण ही उनकी मुलाकात जवाहरलाल नेहरू से हुई। किचलू 1913 में भारत लौट आए और अमृतसर में वकालत करने लगे। अमृतसर के गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग की अध्यक्ष प्रोफेसर अमनदीप बल कहती हैं कि विदेश से वापस लौटने के बाद राष्ट्र के प्रति डॉक्टर किचलू का समर्पण और प्रेम बहुत परवान चढ़ा। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जब आए तो उन्होंने आके देखा कि अगर हमें हिंदुस्तान को आगे लेके जाना है तो हमें मिलके काम करना चाहिए। यही वजह थी कि अगले दिनों में उन्होंने काफी सारी ऐसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया कि यहाँ पे ये चीजें प्रमोट हो जाए। किचलू महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन से अत्यधिक प्रभावित थे, इसके लिए उन्होंने वकालत भी छोड़ दी। मार्च 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने रॉलेट एक्ट पारित किया, जिसके तहत सरकार को बगैर कोई मुकदमा चलाए लोगों को जेल भेजने का अधिकार मिल गया। इसका जबरदस्त विरोध हुआ और इस क्रूर कानून के विरोध में देश भर में आंदोलन शुरू हो गए। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू उन नेताओं में शामिल थे जिन्होंने इस कानून का विरोध किया। 30 मार्च 1919 को उनकी जनसभा में करीब 30,000 लोग जुटे। इस सभा में हुए किचलू के भाषण ने लोगों को बहुत प्रभावित किया। प्रोफेसर अमनदीप पल कहती हैं कि डॉक्टर किचलू बेहद प्रभावशाली वक्ता थे। 9 अप्रैल 1919 को डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल ने अमृतसर की गलियों में सरकार विरोधी जुलूस निकाला। दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और धर्मशाला में कैद कर दिया गया। 13 अप्रैल 1919 को डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा हुई। बैठक कभी चल ही रही थी कि ब्रिगेडियर जनरल डायर ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। पुलिस ने भीड़ पर 1650 राउंड फायर किया। कांग्रेस के अनुसार उस गोलीबारी में करीब 1000 लोग मारे गए। सरकार ने डॉक्टर किचलू को दिसंबर 1919 में रिहा कर दिया। वे सांप्रदायिक सौहार्द के समर्थक थे और धार्मिक आधार पर विभाजन के विरोधी थे। वो 1952 में लेनिन शांति पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। दिल का दौरा पड़ने से 9 अक्टूबर 1963 को डॉक्टर किचलू का निधन हो गया। 9 अक्टूबर के ही दिन 1942 में पंजाब की स्वतंत्रता सेनानी सत्यवती देवी ने लाहौर जेल में ब्रिटिश झंडा हटाकर कांग्रेस का ध्वज लगाने का साहसिक कारनामा किया था। बिजली या माता जी के नाम से लोकप्रिय सत्यवती देवी को उनके 3 बच्चों के साथ 26 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में उन्होंने राजनीतिक कैदियों की दुर्दशा का विरोध किया। 9 अक्टूबर 1942 को सुबह 5 बजे उन्होंने साथी कैदियों को एकत्र किया। इसके बाद उन्होंने महिला जेल पर कांग्रेस का ध्वज लहरा दिया। उन्हें एकांत में रखा गया, लेकिन उनके आंदोलन का परिणाम तब सामने आया जब ब्रिटिश अधिकारी आखिरकार लाहौर जेल में राजनीतिक बंदियों की दशा सुधारने को तैयार हो गए। सत्यवती देवी स्वामी श्रद्धानंद की पोती थी। पूर्व उपराष्ट्रपति कृष्णकांत उनके बेटे थे। वे भगत सिंह को अक्सर अपने हाथों से खाना खिलाती थी। उनके पति लाला अचिंत राम को पंजाब का गांधी भी कहा जाता है। जिस रात राष्ट्रवादी नेता चंद्रशेखर आजाद ने लाहौर छोड़ा, उस रात वो सत्यवती के घर ही ठहरे थे। 26 अक्टूबर 2010 को उनका निधन हो गया।
दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज का नाम इसी महान स्वाधीनता सेनानी के नाम पर रखा गया है। उसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। समाचार के प्रायोजक थे वेदांता, देश की जरूरत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए। आज हम दिव्यांगता से जुड़े विशेष मेहमानों को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। उनका नजरिया ही काबिले तारीफ। शुरू में गई लोगों ने कहा, अरे डिसेबल लोग तो ट्रैवल करते ही नहीं है, तुम क्यों उनकी इतनी कोशिश कर रहे हो। मुझे कई लोगों ने ये बोला है कि यू गेव मी द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। खुद से प्यार कीजिए, खुद पे तरस करना छोड़िए और बाहर निकलिए, दुनिया को दिखिए। ये दुनिया ये समझती है आप एग्जिस्ट ही नहीं करती है, अपनी एग्जिस्टेंस बताइए। देखिए तेजस्विनी मेरे साथ शनिवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। नीरज चोपड़ा पे ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है, जिन्होंने अपने जोश और जुनून के बदौलत टोक्यो में भारत का परचम लहरा दिया है। साई ने, टोप्स ने और गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा हेल्प की। ऊंचा जब लहराया तिरंगा, लांघी सब बाधाएं, चख लिया स्वाद पूरे होते अरमान का। मेरा एक सपना था पेरेंट्स को फ्लाइट में बिठाना है और कहीं लेके जाएंगे, वो काफी खुशी थी उस दिन। जीत ली दुनिया, बना गोल्डन बॉय वो हर आमो खास का। मिलिए टोक्यो ओलंपिक्स के स्वर्ण पदक विजेता जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा से। देखिए मेरी कहानी दूरदर्शन पर तपस भट्टाचार्य जी के साथ, सिर्फ डीडी न्यूज पर। तस्मात् कल्याणमाचरे। इट इज द टेक्निकल लैंग्वेज ऑफ नव्यन्याय एंड द वे द शब्द बोध इज एक्सप्रेस्ड विच इज मोर रिलेवेंट फॉर कंप्यूटर्स एंड नॉट द संस्कृत लैंग्वेज। नमस्ते इंडिया, नमस्ते लैंड, मरहबन इलल हिंद, जरी इंडिया, सलाम इंडिया, नमस्ते इंडिया, नमस्कार भारत। मैं इंडिया, نحن هنود انديا ما هندي هستي هم هنديان سلام هندوستان وي ار انديا Your window to rising India, India's voice on global platforms, latest news from India and around the world, in-depth analysis of global headlines. Watch DD India in your country. Available for downlink in Middle East countries. STTV broadcast is available through the satellite GSAT 17 at 93.5 degrees east. HDTV broadcast is available through the satellite GSAT 10 at 83 degrees east. For technical details, scan here. Switch to DD India
now. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क के पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन के बीच हैदराबाद हाउस में हुई बैठक। बैठक के बाद संयुक्त बयान में दोनों नेताओं ने वार्ता को बताया सार्थक। स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र में दोनों देश सहयोग को हुए सहमत। हरित सामरिक गठजोड़ पर भी मिलकर करेंगे काम। भारत के 3 दिवसीय दौरे पर आए डेनमार्क के प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति भवन में किया गया औपचारिक स्वागत। भारत को बताया करीबी साझेदार। कहा पर्यावरण के क्षेत्र में ग्रीन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप से दोनों देशों के बीच बढ़ेगा सहयोग। आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से होगी मुलाकात। अड़सठ सालों बाद फिर टाटा समूह की हुई एयर इंडिया। 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर टाटा समूह ने जीती निविदा। एयर इंडिया पर स्वामित्व के बाद टाटा समूह को चुकाना होगा 15,300 करोड़ रुपए का कर्ज। भारत की कोविड 19 वैक्सीन का विदेशों में भी डंका। हंगरी और सर्बिया ने भारत के कोविड 19 टीकाकरण प्रमाण पत्रों को दी मान्यता। ये मान्यता शिक्षा व्यवसाय पर्यटन में गतिशीलता की सुविधा करेगा प्रदान। इस 36 देशों के समूह ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर न्यूनतम कॉरपोरेट कर लगाने को लेकर किया समझौता। वर्ष 2023 से कम 15% कॉरपोरेट टैक्स दर लागू करने के लिए ऐतिहासिक वैश्विक संधि पर किए हस्ताक्षर। और 5 बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस प्लेऑफ की दौड़ से बाहर। हैदराबाद को दी 42 रनों से शिकस्त। वहीं आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हराया और कल दिल्ली और चेन्नई के बीच होगा पहला क्वालिफायर मुकाबला। नमस्कार, इस वक्त की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ हम हाजिर मैं हूं प्रकाश और खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क के प्रधानमंत्री के बीच आज द्विपक्षीय वार्ता हुई। भारत और डेनमार्क के बीच 4 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों के बीच इसके अलावा 3 वाणिज्यिक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय बातचीत के बाद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। द्विपक्षीय बातचीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 1 साल पहले हमने अपनी वर्चुअल समिट में भारत और डेनमार्क के बीच ग्रीन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप स्थापित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। दोनों देशों की दूरगामी सोच और पर्यावरण के प्रति सम्मान का प्रतीक है। शाम को वे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगी। डेनमार्क के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा दोनों देशों के आपसी संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा और हरित कार्यनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा का अवसर होगा। दोनों देश परस्पर हित के क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे। पिछले वर्ष सितंबर में वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भारत और डेनमार्क ने हरित कार्यनीतिक साझेदारी गठित की थी। फ्रेडरिक्सन समाज के प्रबुद्ध सदस्यों और छात्रों से भी बातचीत करेंगे। कोरोना काल में बीते 20 महीने के दौरान ये किसी प्रधानमंत्री की पहली भारत यात्रा है। आज से 1 साल पहले हमने अपनी वर्चुअल समिट में भारत और डेनमार्क के बीच ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्थापित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। यह हम दोनों देशों की दूरगामी सोच और पर्यावरण के प्रति सम्मान का प्रतीक है। यह पार्टनरशिप एक उदाहरण है कि किस प्रकार सामूहिक प्रयास के द्वारा टेक्नोलॉजी के माध्यम से पर्यावरण को संरक्षित रख सकते हुए ग्रीन ग्रोथ के लिए काम किया जा सकता है। आज हमने इस साझेदारी के अंतर्गत हुई प्रगति को रिव्यू भी किया और आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज के विषय पर सहयोग बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया।
और भारत के 3 दिवसीय दौरे पर आए डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन का आज सुबह राष्ट्रपति भवन में औपचारिक तौर पर स्वागत किया गया। इस दौरे पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। और इस अवसर पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने कहा कि डेनमार्क भारत को अपना एक करीबी साझेदार मानता है। उन्होंने कहा कि उनकी ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। We consider India as a very close partner to Denmark, and therefore I see this visit as a milestone for our bilateral contacts and for our cooperation. Last year, Prime Minister Modi and I were able to sign and agree on a green strategic partnership, and today gladly we can meet here in Delhi to be more concrete when it comes to renewables, when it comes to wind, and when it comes to water. And what we see is a very ambitious Indian government who really wants to take a great responsibility when it comes to the green transition in India and in the world. And I am very glad that we are able to have a cooperation about the green transition. उसके बाद डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में नेशनल स्टेडियम परिसर में आयोजित अलंकरण समारोह में भारतीय तटरक्षक कर्मियों को वीरता और मेधावी सेवा पदक प्रदान किए। रक्षा मंत्री ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि 4 से 6 नौकाओं से अपना सफर शुरू करने वाले भारतीय तटरक्षक बल के पास आज 150 जहाज, 66 विमान हैं और ये दुनिया की सबसे बेहतरीन समुद्री सेनाओं में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बना चुका है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि समुद्री सुरक्षा को सुनिश्चित किए बिना आंतरिक और बाहरी सुरक्षा फ्रेमवर्क बनाना किसी भी सूरत में संभव नहीं है। मैरिटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर किए बिना एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाना किसी भी सूरत में संभव नहीं है। इंडिया के मैरिटाइम जोन्स को सेफ, सिक्योर और पॉल्यूशन फ्री रखना हमारी सुरक्षा जरूरतों, एनवायरमेंटल हेल्थ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक साथ इंश्योर करता है। मुझे यह कहते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड इन सभी चैलेंजेस को एक साथ सक्सेसफुली एड्रेस कर रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि एक उभरती समुद्री ताकत होने के नाते भारत का उद्देश्य क्षेत्र के सभी देशों की सुरक्षा का भी है। एक राइजिंग मैरिटाइम पावर होने के चलते हमारी प्रॉस्पेरिटी बहुत हद तक समुद्र पर निर्भर है, इसलिए अपने साथ साथ क्षेत्र के सभी देशों की सुरक्षा और प्रगति हमारा एक यह प्रमुख उद्देश्य है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन सागर
यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन में यह उद्देश्य भली भांति स्पष्ट होता है। टाटा सन्स समूह ने एयर इंडिया के अधिग्रहण की बोली जीत ली है। टाटा सन्स ने एयर इंडिया के लिए 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। सरकार के मुताबिक दिसंबर 2021 तक एयर इंडिया में विनिवेश की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। सरकार ने 2009 से अब तक 1.1 लाख करोड़ से ज्यादा एयर इंडिया में निवेश किया है। मार्च 2021 तक एयर इंडिया पर 46,239 करोड़ रुपए का कर्ज था, जो अगस्त 2021 तक बढ़कर 61,562 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इसमें से 44,679 करोड़ रुपए का कर्ज स्पेशल पर्पस व्हीकल एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग को सौंप दिया जाएगा। यानी एयर इंडिया पर स्वामित्व के बाद टाटा समूह को 15,300 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाना होगा। टाटा समूह ने अक्टूबर 1932 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना की, बाद में इसका नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया था। सरकार ने 1953 में एयरलाइन का राष्ट्रीयकरण किया। फैसले के बाद टाटा सन्स के समूह के प्रमुख रतन टाटा ने वेलकम बैक एयर इंडिया कहकर फैसले का स्वागत किया। रतन टाटा ने एक बयान में कहा कि एयर इंडिया के लिए टाटा समूह का बोली जीतना एक अच्छी खबर है। बेशक एयर इंडिया के पुनर्निर्माण के लिए काफी प्रयास करने होंगे। उम्मीद है कि यह विमानन उद्योग में टाटा समूह को एक मजबूत, बहुत मजबूत बाजार अवसर प्रदान करेगा। भावनात्मक तौर पर देखें तो JRD टाटा के नेतृत्व में एयर इंडिया ने एक समय में दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित एयरलाइनों में से एक होने की प्रतिष्ठा हासिल की थी। अब टाटा के पास उस छवि और प्रतिष्ठा को फिर से हासिल करने का अवसर होगा। JRD टाटा आज हमारे बीच होते तो बहुत खुश होते। टाटा समूह ने चुनिंदा उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए खोलने की नीति के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद भी दिया। करीब 68 सालों बाद कंपनी एक बार फिर टाटा समूह के कब्जे में आ गई है। भारत की कोरोना वैक्सीन का विदेशों में भी डंका बज रहा है। एक और देश ने भारत की वैक्सीन को मान्यता दे दी है, जबकि एक अन्य देश भारत के साथ मिलकर दोनों की वैक्सीन को अनुमति देने के लिए तैयार हो गए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट करके कहा कि एक और देश ने भारत के टीकाकरण प्रमाण पत्र को मान्यता दे दी है। सर्बिया के साथ पारंपरिक दोस्ती COVID-19 टीकाकरण प्रमाण पत्रों की पारस्परिक मान्यता में तब्दील हो गई है। अपने दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा कि COVID-19 टीकाकरण प्रमाण पत्रों की आपसी मान्यता शुरू हो गई है। भारत और हंगरी एक दूसरे के COVID-19 टीकाकरण प्रमाण पत्रों को मान्यता देने पर सहमत हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन में COVID-19 वैक्सीन कोवैक्सीन को अनुमति देने पर फैसला अगले हफ्ते होगा। इसे लेकर WHO ने कहा है कि भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की लिस्टिंग के लिए अगले हफ्ते फैसला लिया जाएगा। इसके लिए WHO और विशेषज्ञों के एक स्वतंत्र समूह की बैठक होने वाली है। इस दौरान कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन की जोखिम और फायदों का आकलन किया जाएगा और इसके बाद मंजूरी के लिए अंतिम निर्णय लिया जाएगा। कोविड महामारी के खिलाफ चलाए जा रहे टीकाकरण कार्यक्रम के तहत प्रदेश में अब तक 93,99,15,332 टीके लगाए गए हैं। देश में 67,75,00,000 से अधिक लोगों को टीके की एक खुराक, जबकि 26,20,00,000 से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके की दोनों खुराकें दी जा चुकी हैं। कोरोना संक्रमण के खिलाफ भारत की जंग में पिछले 24 घंटों में 23,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। अब तक देश भर में 3,32,00,000 से अधिक संक्रमित मरीज स्वस्थ होने में कामयाब रहे हैं। मार्च 2020 के बाद से देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले की दर अपने सर्वोच्च स्तर 97.98% पर पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 19,740 मामले सामने आए हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र आज लखीमपुर खीरी के पुलिस लाइन स्थित क्राइम ब्रांच के ऑफिस पहुंचे। क्राइम ब्रांच की ओर से उन्हें आज 11 बजे तक आने का समन दिया गया था। इस समय आशीष मिश्रा से पूछताछ चल रही है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने शनिवार को टेरिटोरियल आर्मी के मुख्यालय में रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया। ठाकुर ने इस मौके पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही स्वयं भी रक्तदान किया।
उन्होंने कहा कि अपनी स्थापना के वर्षगांठ के मौके पर टेरिटोरियल आर्मी अनेक सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। अनुराग ठाकुर ने रक्तदान को जीवन दान के बराबर बताया और ये पूरी तरह से सुरक्षित है और लोगों को खुले मन से इसमें हिस्सा लेना चाहिए। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि उस परिवार से आता हूं जहां पर पीढ़ी दर पीढ़ी फौज में अपनी सेवाएं दी हैं। मुझे भी टेरिटोरियल आर्मी में अपनी सेवाएं देने का कुछ अवसर मिला है। आज अपने सभी ऑफिसर्स और जवानों के साथ मिलकर रक्तदान करने आया हूं, इस कार्यक्रम का हिस्सा बना हूं। मैं अपने सभी सीनियर ऑफिसर्स का आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां एक और साइकिलिंग के माध्यम से स्वच्छ और स्वस्थ भारत की बात की हमने, दूसरी ओर रक्तदान करके अपनी ओर से देश के लिए एक और भी काम किया है। अयोध्या में सरयू तट पर अयोध्या की रामलीला का मंचन जारी है, जिसमें फिल्म जगत के नामचीन किरदार अपने पौराणिक पात्रों की भूमिका कर रामलीला को जीवंत और लोकप्रिय बना रहे हैं। अयोध्या की रामलीला के तीसरे दिन का मंचन शुक्रवार को हुआ। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। अयोध्या का प्रसिद्ध श्री लक्ष्मण किला परिसर प्रभु श्री राम की लीला के विविध प्रसंगों से गुंजायमान है। शुक्रवार को अयोध्या की रामलीला के तीसरे दिन सीता स्वयंवर के प्रसंग का मंचन हुआ। अहम् ब्रह्मास्मि। रामलीला मंचन में सीता स्वयंवर का प्रसंग विशिष्ट आकर्षण का केंद्र होता है। राजा जनक के निमंत्रण पर देश देशांतर के राजा धीराज और युवराज स्वयंवर हेतु मिथिला पहुंचे हैं। प्रभु श्रीराम द्वारा धनुष भंग करने से न केवल जनक की प्रतिज्ञा पूरी होती है, बल्कि असुरों के विनाश और धर्म स्थापना की रूपरेखा भी निर्मित होती है। धनुष भंग और सीता स्वयंवर के मंचन के बाद लक्ष्मण परशुराम संवाद ने दर्शकों का मन मोह लिया। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है, जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। प्रसिद्ध अभिनेत्री भाग्यश्री द्वारा माता सीता, अभिनेता और सांसद रवि किशन द्वारा परशुराम और शहबाज खान द्वारा रावण की भूमिका से सजी अयोध्या की रामलीला का प्रतिदिन सजीव प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल चैनल पर शाम 7 बजे से 10 बजे तक किया जा रहा है, जिससे कोरोना काल में करोड़ों दर्शक घर बैठे प्रभु की लीला का आनंद ले रहे हैं। अश्विनी कुमार मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज अयोध्या। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में आज विशेष सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अब इसे सबसे बेहतर बनाना है। इसके लिए आवश्यक है कि संसद और राज्य के ज्यादा से ज्यादा बैठक हो। The government always must try to work to reach out to opposition, have a dialogue, and then finally try to arrive at a consensus. If the consensus is not available, the next way is testing, going through the majority. That is the only way. There is no other way in democracy. Our democracy is one of the oldest and the largest democracies in the world. Let us make it the best. We must have more sittings of the legislature and more constructive debates in each session. I am talking about the parliament. I am talking about the legislatures. All state legislatures and parliament should meet more days. आज महान स्वतंत्रता सेनानी सैफुद्दीन किचलू की पुण्यतिथि है।
वे 1919 के कठोर रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग प्रदर्शन के नायक थे। वहीं आज ही के दिन 1942 में पंजाब की स्वतंत्रता सेनानी सत्यवती देवी ने लाहौर जेल में ब्रिटिश झंडा हटाकर कांग्रेस का ध्वज लगाने का साहसी कारनामा किया था। अक्टूबर महान स्वतंत्रता सेनानी सैफुद्दीन किचलू की पुण्यतिथि है। वो 1919 के कठोर रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग प्रदर्शन के नायक थे। डॉक्टर किचलू नौजवान भारत सभा के संस्थापक सदस्य थे, जिसने हजारों विद्यार्थियों और युवा भारतीयों को राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर किचलू का जन्म 15 जनवरी 1888 को कश्मीरी परिवार में हुआ था, जो कि अमृतसर में बस गया था। कुशाग्र बुद्धि किचलू ने लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से स्नातक तक पढ़ाई की और जर्मनी से पीएचडी पूरी की। वो कैम्ब्रिज के दिनों से ही क्रांतिकारी विचारों के प्रति आकर्षित होने लगे थे और मजलिस में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे थे। मजलिस भारतीय छात्रों की एक सोसाइटी थी, जो भारत की औपनिवेशिक दुर्दशा पर चर्चा करती थी। इन सभाओं के कारण ही उनकी मुलाकात जवाहरलाल नेहरू से हुई। किचलू 1913 में भारत लौट आए और अमृतसर में वकालत करने लगे। अमृतसर के गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग की अध्यक्ष प्रोफेसर अमनदीप बल कहती हैं कि विदेश से वापस लौटने के बाद राष्ट्र के प्रति डॉक्टर किचलू का समर्पण और प्रेम बहुत परवान चढ़ा। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जब आए तो उन्होंने आके देखा कि अगर हमें हिंदुस्तान को आगे लेके जाना है तो हमें मिलके काम करना चाहिए। यही वजह थी कि अगले दिनों में उन्होंने काफी सारी ऐसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया कि यहाँ पे ये चीजें प्रमोट हो जाए। किचलू महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन से अत्यधिक प्रभावित थे, इसके लिए उन्होंने वकालत भी छोड़ दी। मार्च 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने रॉलेट एक्ट पारित किया, जिसके तहत सरकार को बगैर कोई मुकदमा चलाए लोगों को जेल भेजने का अधिकार मिल गया। इसका जबरदस्त विरोध हुआ और इस क्रूर कानून के विरोध में देश भर में आंदोलन शुरू हो गए। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू उन नेताओं में शामिल थे जिन्होंने इस कानून का विरोध किया। 30 मार्च 1919 को उनकी जनसभा में करीब 30,000 लोग जुटे। इस सभा में हुए किचलू के भाषण ने लोगों को बहुत प्रभावित किया। प्रोफेसर अमनदीप पल कहती हैं कि डॉक्टर किचलू बेहद प्रभावशाली वक्ता थे। 9 अप्रैल 1919 को डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल ने अमृतसर की गलियों में सरकार विरोधी जुलूस निकाला। दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और धर्मशाला में कैद कर दिया गया। 13 अप्रैल 1919 को डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा हुई। बैठक कभी चल ही रही थी कि ब्रिगेडियर जनरल डायर ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। पुलिस ने भीड़ पर 1650 राउंड फायर किया। कांग्रेस के अनुसार उस गोलीबारी में करीब 1000 लोग मारे गए। सरकार ने डॉक्टर किचलू को दिसंबर 1919 में रिहा कर दिया। वे सांप्रदायिक सौहार्द के समर्थक थे और धार्मिक आधार पर विभाजन के विरोधी थे। वो 1952 में लेनिन शांति पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। दिल का दौरा पड़ने से 9 अक्टूबर 1963 को डॉक्टर किचलू का निधन हो गया। 9 अक्टूबर के ही दिन 1942 में पंजाब की स्वतंत्रता सेनानी सत्यवती देवी ने लाहौर जेल में ब्रिटिश झंडा हटाकर कांग्रेस का ध्वज लगाने का साहसिक कारनामा किया था। बिजली या माताजी के नाम से लोकप्रिय सत्यवती देवी को उनके 3 बच्चों के साथ 26 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में उन्होंने राजनीतिक कैदियों की दुर्दशा का विरोध किया। 9 अक्टूबर 1942 को सुबह 5 बजे उन्होंने साथी कैदियों को एकत्र किया। इसके बाद उन्होंने महिला जेल पर कांग्रेस का ध्वज लहरा दिया। उन्हें
एकांत में रखा गया, लेकिन उनके आंदोलन का परिणाम तब सामने आया जब ब्रिटिश अधिकारी आखिरकार लाहौर जेल में राजनीतिक बंदियों की दशा सुधारने को तैयार हो गए। सत्यवती देवी स्वामी श्रद्धानंद की पोती थी, पूर्व उपराष्ट्रपति कृष्णकांत उनके बेटे थे। वे भगत सिंह को अक्सर अपने हाथों से खाना खिलाती थी। उनके पति लाला अचिंत राम को पंजाब का गांधी भी कहा जाता है। जिस रात राष्ट्रवादी नेता चंद्रशेखर आजाद ने लाहौर छोड़ा, उस रात वो सत्यवती के घर ही ठहरे थे। 26 अक्टूबर 2010 को उनका निधन हो गया। दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज का नाम इसी महान स्वाधीनता सेनानी के नाम पर रखा गया है। उसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। जरा मुस्कुरा दे, हे हे हे, ऐसे तुझी एक चम्मच अमूल घी, दिमाग फिट और सेहत भी, ऐसे तुझी एक चम्मच अमूल घी, जस्ट एक चम्मच अमूल घी। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच। हमारे साथ मिड प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। Your window to rising India. India's voice on global platforms. Latest news from India and around the world. In-depth analysis of global headlines. Watch DD India in your country. Available for downlink in all Southeast Asian countries. STTV broadcast is available through the satellite GSAT-17 at 93.5 degrees east. HDTV broadcast is available through the satellite GSAT-10 at 83 degrees east. For technical details, scan here. Switch to DD India now. Your window to rising India. India's voice on global platforms. Latest news from India and around the world. In-depth analysis of global headlines. Watch DD India in your country. Available for downlink in Central Asian countries. STTV broadcast is available through the satellite GSAT-17 at 93.5 degrees east. HDTV broadcast is available through the satellite GSAT-10 at 83 degrees east. For technical details, scan here. Switch to DD India now.
नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं डॉक्टर स्पीक। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। ये शो हम आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं और मकसद होता है कि खास तौर पर कोरोना के समय, ये जो महामारी का दौर है, इस दौरान आपके मन के सवाल और शंकाओं का जवाब दें। वैसे तो कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं, पर बदलते मौसम के साथ परेशानियां बढ़ सकती हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार राज्यों को निर्देश जारी कर रहा है कि त्योहारों के समय कोरोना नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाए, ताकि कोरोना से जुड़ी किसी भी समस्या से बचा जा सके। ज़्यादा भीड़ भाड़ से समस्या बढ़ सकती है त्योहार, और दूसरी ओर जाड़े का मौसम, इसमें प्रदूषण भी बढ़ता है, तो इसकी दोहरी मार पड़ सकती है। ऐसे में क्या रखें सावधानियां, कैसे रखें अपने आप को सुरक्षित, इस पर भी बात करेंगे अपने डॉक्टर विशेषज्ञों से। पर यह ज़रूर याद रहे कि आप सभी बढ़ चढ़ कर टीकाकरण अभियान में भाग लीजिए, ताकि सुरक्षा का जो पहला चक्र है वो पूरा हो सके। ऐसे में ज़रूरी है कि हम सब मिलकर इस संकट का मुकाबला करें। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और आप हमारे कार्यक्रम में कोरोना से जुड़े किसी भी समस्या के लिए फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 011, आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर आ रहा है 011-2338-7031। एक और तरीका है, अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, तो जो फेसबुक पर डीडी न्यूज़ लाइव का पेज है, वहाँ पर अपने सवाल लिख डालिए। मैं उन सवालों को डॉक्टर विशेषज्ञ मेहमानों से पूछकर आपके लिए सही जवाब लूँगा। तो हम आगे चल करके अपने विशेषज्ञ मेहमानों से हर रोज़ की तरह जुड़ेंगे ही, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो कोरोना से मुकाबला है, इसका सफ़र अभी तक कहाँ तक पहुँचा है। कोविड महामारी के खिलाफ चलाए जा रहे टीकाकरण कार्यक्रम के तहत देश में अब तक 93,99,15,323 टीके लगाए गए हैं, करीब करीब 94 करोड़, और देश में 67,75,00,000 से भी अधिक लोगों को टीके की एक खुराक लग चुकी है, जबकि 26,20,00,000 से भी ज्यादा लोगों को कोविड रोधी टीके की दोनों खुराकें दी जा चुकी हैं। तो कोरोना संक्रमण के खिलाफ भारत की जंग में पिछले 24 घंटों में 23,000 से भी अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। अब तक देश भर में 3,32,00,000 से भी अधिक संक्रमित मरीज स्वास्थ्य लाभ करने में कामयाब हुए हैं। मार्च 2020 के बाद से देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर अपने सबसे ऊपर के स्तर 97.98 यानी करीब करीब 98% पहुंच चुकी है, और पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 19,740 नए मामले सामने आए हैं। तो ये है अभी तक की लड़ाई का लेखा जोखा, जो हम सभी मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं। और कोरोना के खिलाफ मुकाबले का ही एक जरिया हमने डॉक्टर स्पीक को भी बनाया है, जिसमें हम आप जुड़ते हैं और कोरोना से संबंधित जानकारी लेते हैं डॉक्टर विशेषज्ञ मेहमानों से, और फिर कोरोना से किस तरह बिल्कुल प्रभावी तौर पर मुकाबला किया जाए, उसी की कोशिश करते हैं इस कार्यक्रम में। आज हमारे साथ हमारे डॉक्टर विशेषज्ञ मेहमान जो जुड़ रहे हैं, मैं उनका परिचय करा दूं आप लोगों से। डॉक्टर राकेश कुमार, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ENT एम्स दिल्ली, बहुत बहुत स्वागत प्रोफेसर डॉक्टर राकेश कुमार। और डॉक्टर GC खिलनानी, जो चेयरमैन हैं PSRI इंस्टीट्यूट ऑफ पल्मोनरी क्रिटिकल केयर दिल्ली, आपका भी बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर GC खिलानी। आगे चलकर के हमारे साथ कोशिश करेंगे एक और डॉक्टर विशेषज्ञ मेहमान हमसे जुड़े, और शायद जुड़ेंगे भी, लेकिन फिलहाल हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग अपने सवाल, जो हमने दो जरिया बताया, उन दो जरियों से ज़रूर पूछिए, या तो आप टेलीफोन करके पूछिए या फिर फेसबुक पर जाकर सवालों को लिख डालिए, और उन सवालों को लेकर हम ज़रूर अपने डॉक्टर विशेषज्ञ मेहमानों से पूछेंगे। सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत करता हूँ डॉक्टर राकेश कुमार एम्स दिल्ली से। और डॉक्टर राकेश कुमार, मामले तो अब 20,000 से कम आज आए हैं, 19,740 के आसपास मामले हैं, और ये जो आंकड़े हैं, ये क्या संकेत दे रहे हैं? क्या ये लगता है कि जो तीसरी लहर का खतरा है, उससे हम अब धीरे धीरे बाहर निकलते जा रहे हैं उस खतरे की चपेट से, क्योंकि हमने सभी ने मिलकर के बहुत अच्छा मुकाबला किया है, बहुत अच्छी सावधानियां बरती हैं?
मैं इस बारे में ये कहूंगा कि अभी तक बहुत अच्छा काम हुआ है, इसकी वजह से केसेस कम हो रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है जी। लेकिन साथ साथ ये भी एक समझने की बात है कि कोविड फैलेगा कब, जब भीड़ भाड़ ज्यादा होगी और जब हम लोग प्रिकॉशन नहीं लेंगे। तो जैसे हमने बिगनिंग में भी देखा था, जैसे ही कुछ त्योहार आए, जैसे केरला में आया तो उस वक्त एकदम से केसेस बढ़े थे, तो हम लोगों को सावधान रहने की बहुत जरूरत है। अननेसेसरीली जो क्राउडेड जगह है सबको हमें अवॉइड करना है। वैक्सीन अगर आपने एक डोज लगाई है तो दूसरी डोज भी अपनी ले लें, और अगर नहीं लगाई है तो फिर वैक्सीन लगवाएं। और साथ साथ में जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे आपका सोशल डिस्टेंसिंग है वो आपको मेंटेन रखना है, मास्क लगाना है, और जितना हो सके अननेसेसरीली क्राउड ना क्रिएट करें, क्राउड का हिस्सा ना बने। खासतौर पे उनके लिए बहुत जरूरी है जिनकी के इम्यूनिटी कम है, जैसे जिनको अगर डायबिटीज है, 60 साल से ऊपर के लोग हैं, या जो बहुत छोटे बच्चे हैं, या किसी को क्रॉनिक कोई बीमारी है, उनको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन संक्षेप में अगर मैं कहूँ तो अभी हमें गार्ड अपने डाउन नहीं करने हैं, जो अच्छा काम किया है उसको भी कंटिन्यू करें। और खासतौर से जो दिवाली आ रही है, दशहरा आ रहा है, जो फेस्टिवल है, उसमें खासतौर से सावधानी रखने की जरूरत है, जिससे कि हम तीसरी लहर से बच पाए। और डॉक्टर जी सी खिल्लानी, मैं आपसे ख़ास तौर पर मौसम वाले फैक्टर पर बात करना चाहूँगा। हम जानते हैं कि मौसम बदल रहा है, और अब जो सर्दी का मौसम है उसकी हल्की सी दस्तक थोड़ी थोड़ी महसूस भी होने लगी है। ऐसे में जो कोरोना के मामले हैं, अब तो जैसे 1.5-2 साल हो गए, तो क्या कुछ संकेत मिलते हैं क्या कि इसका मौसम से कोई ताल्लुक, किसी भी तरह से कोई संबंध, और अगर ताल्लुक है तो सर्दी के मौसम में क्या संभावना है, और उसके मद्देनज़र हमें, हम सभी को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? नहीं, देखिए ऐसा है कि कोरोना क्या है, कोरोना एक वायरल इन्फेक्शन है, जैसे फ्लू का इन्फेक्शन होता है, दूसरे